नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने नए शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इस साल की तरह अगले साल भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन की सहायता से तैयार होगा। सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए इस शैक्षणिक वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम सत्र का एग्जाम नवंबर दिसंबर महीने में होगा, जबकि दूसरे सत्र की जो परीक्षा है वो मार्च अप्रैल में करवाई जाएगी। कोरोना महामारी में सीबीएसई ने परीक्षाओं को सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा है और पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी ने सीबीएसई समेत विभिन्न बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन पर काफी असर डाला है। कई परीक्षाओं को रद्द तक करना पड़ा। सर्कुलर जारी करते हुए सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम को जुलाई 2021 में नोटिफाई किए जाने वाले पिछले शैक्षणिक सत्र के जैसे ही युक्ति संगत बनाया गया है। सीबीएसई स्कूलों को 31 मार्च को सीबीएसई द्वारा जारी पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। इसके अलावा स्कूल एनसीईआरटी से वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और इनपुट का भी इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड ने यह भी कहा है कि जब तक अधिकारी स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं तब तक स्कूल डिस्टेंस मोड में पढ़ाना जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, 10वीं रिजल्ट के लिए 9वीं के मार्क्स और 12वीं रिजल्ट के लिए 11वीं के मार्क्स का भी अहम योगदान होगा। व्यापक दिशा निर्देश हैं जो सीबीएसई की तरफ से जारी किए गए हैं। 5 जुलाई को ये निर्देश जारी किए गए हैं और इस साल कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई से जुड़े लगभग सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ रही हैं। ऐसे में कई जो हितधारक हैं उनकी ओर से तमाम सुझाव मिले, जिसके आधार पर 2021-22 के सत्र के लिए भी वैकल्पिक तरीके से बोर्ड रिजल्ट जारी करने की योजना बनाई गई है। देश देशांतर में आज बात सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए आई नई स्कीम की और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर एग्जाम सीबीएसई। साथ ही मेरे साथ है अरुणाव सिंह, डायरेक्टर नेहरू वर्ल्ड स्कूल गाजियाबाद। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले डॉक्टर संयम भारद्वाज, मैं आपसे समझूंगी जो दिशा निर्देश हैं, काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश हैं, क्या बड़ी बातें हैं जो अब शैक्षणिक सत्र को लेकर कही गई हैं? जी प्रीति जी, देखिए सबसे पहले मेरा सभी जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले दो वर्षों से हम लोग परीक्षाओं का संचालन नहीं कर पा रहे हैं कोरोना के कारण, और ये माना गया कि ऐसा हो सकता है कि थर्ड वेव फोर्थ वेव जो बातें हैं, साल भी परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, ये बहुत अनिश्चित है। तो मैं यदि ये कहता हूँ कि कोरोना के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो शिक्षा का है जरूर। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे जो नुकसान है उसको का आंकलन करना भी बहुत मुश्किल है। ये बाद में जाकर हमको पता चलेगा जब ये बच्चे कहीं भविष्य में मुख्य धारा में शामिल होंगे। वो अनिश्चितता ना हो, वो परेशानी ना हो, उस समस्याओं का निवारण से किया जाए और आगे आने वाले समय में यदि कोरोना महामारी हमारे बीच रहती है तो किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाए कि उनका मूल्यांकन सही ढंग से हो सके, उसके लिए विस्तृत चर्चा के पश्चात हमारे एकेडमिक डिपार्टमेंट ने एक जो स्कीम है वो प्रिपेयर की और इसमें हमने सभी लोग सहयोग लिया, चाहे वो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हों, चाहे बच्चे हों या हम लोग अंदर के जो अधिकारी के साथ के चर्चे। इसमें मुख्यतः जो बात की गई है कहूँ तो ये कहूँगा कि पहली चीज कि हम जो 2021 के लिए हमने अपना सिलेबस 30% कम किया था वो 30% कम अभी भी जारी रहेगा। इस जो बचा 70% सिलेबस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 35% 35% 70% हो जाएगा। और इसका करने का लाभ ये होगा कि बच्चों को जितना सिलेबस वो करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से करने का मौका उनको मिलेगा, शिक्षण कार्य बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब हम लोगों का जो प्रयास है वो ये है कि अगले साल यदि महामारी रहती है तो उस कंडीशन में हमको स्कूल्स को ना कहना पड़े कि आप रिजल्ट बनाएं, आप हमको मदद करें, कुछ लेकर आएं। हम ये सारी तैयारी पहले से करके रखेंगे और किसी भी स्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। इस पॉलिसी को बनाते समय क्योंकि हमको इससे मुकाबला करना है, हमने ये तय किया कि हम सत्र को दो भाग में भागते हैं, दो बातों में पार्ट में बांटते हैं और उसके अलावा जो हमारी परीक्षाएं हैं वो भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
तो पहली परीक्षा जिसको हम टर्म वन परीक्षा बोलेंगे अपनी, वो परीक्षा हम नवंबर दिसंबर में करने का प्रयास करेंगे। अब नवंबर दिसंबर इस परीक्षा करने का अभिप्राय क्या है या वो समय हमने क्यों चूज किया? उस समय को चूज करने का पर्पज ये था कि जब हम आज ये स्कीम लोगों को बताते हैं भी तैयार इसके लिए हो जाएं। दूसरी चीज ये कि 15 अगस्त से 15 सितंबर हम ऑलरेडी एक परीक्षा का आयोजन करने को प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे कंपार्टमेंट के बच्चे होंगे, जो हमारे इंप्रूवमेंट वाले होंगे, जो जो बच्चे हमारी असेसमेंट स्कीम से सेटिस्फाई नहीं है रिजल्ट निकलने के बाद होंगे, उन सबको परीक्षा देने का अवसर दिया दोबारा से। तो इसलिए हमने ये तय किया कि अगर यहाँ परीक्षा होती है, परीक्षा साल पर परीक्षा हो, तो स्कूल परेशान रहेंगे, वो परीक्षा का आयोजन करेंगे जल्दी जल्दी, तो हमने यहाँ करेंगे और देखेंगे हम कि किस तरीके से परीक्षा के समय को, मतलब जो ड्यूरेशन है कि 20 दिन 25 दिन की जगह कर सकते हैं जिससे कि ये परीक्षा हो सके। तो नवंबर दिसंबर में हमारी टर्म वन की परीक्षा होगी, उसके बाद हम लोग मार्च अप्रैल में टर्म टू की परीक्षा की बात कर रहे हैं, और जहाँ टर्म वन की बात है वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ टर्म टू की बात है हम ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप जिस तरीके के भी सर्कमस्टेंसेस हों उस तरीके की परीक्षा का आयोजन करेंगे। अब हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि अगर कोई सी भी स्थिति पैदा होती है तो उसको रिजल्ट निकालने के लिए हमको किस तरीके की आवश्यकताएं होंगी, तो वो सारी आवश्यकताएं हमने अपनी पॉलिसी में दी हैं। ठीक है, इस संपूर्ण पॉलिसी के साथ में ये कहना चाहूंगा कि अगले वर्ष यदि कहीं कोई परेशानी होती है, कोरोना हमारे बीच रहता है, तो हमको इस समस्या का समाधान हमारे समक्ष होगा और कोई परेशानी के बिना हम रिजल्ट घोषित कर पाए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर भारद्वाज, मैं और डिटेल में जानूंगी बाकी जो दिशा निर्देश हैं और क्या खास बातें हैं सीबीएसई दिशा निर्देशों की। उससे पहले अरुणाब सिंह, आपसे मैं समझना चाहूंगी जो दिशा निर्देश आप लोगों ने देखे हैं कितने व्यवस्थित और कितने फीजिबल एक तरह से नजर आ रहे हैं आपको? जो दिशा निर्देश सीबीएसई की तरफ से प्रिंसिपल्स को मिले हैं उससे ज्यादा प्लान्ड और परफेक्ट तरीका इस वक्त और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इस वक्त देश उस घड़ी से गुजर रहा है जिसमें कि इतने बड़े एग्जाम जो कि पूरे देश में होता है और विदेश में भी होता है, उस एग्जाम को तो छोड़िए, हम स्टेट के इलेक्शन को भी नहीं प्लान कर पा रहे हैं कि वो कब होगा, बिकॉज सिचुएशन जो है वो इतनी गंभीर है देश में। तो सीबीएसई जो ये प्लान कर रहा है कि हम इसे बीच में से तोड़ें, मेरे को एज अ स्कूल प्रिंसिपल दो चीजें इसमें दिखती हैं। एक तो सर्टनली जो इस साल इसका फायदा होगा कि हम 50-50% डिवाइड कर लेंगे रिस्क को, और उम्मीद होगी कि दो में से एक तो कम से कम असेसमेंट हो ही जाएगा। एक तो सर्टनली प्रेजेंट टाइम्स में ये फायदा होता है, मगर हम अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ वापस जाएं तो वो बहुत क्लियरली ये कहती है कि हम दो टर्म्स में हमारे पास में असेसमेंट होना चाहिए और पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, और अलग अलग तरीके से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो, क्लास में टीचर्स जो हैं ऐसी पढ़ाई कराएं जिससे कि ज्यादा सोचना पड़े बच्चे को और हम रोट लर्निंग से दूर जाएं। तो जब सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलर मैं पढ़ रहा हूं तो उसमें वो बात कर रहा है कि भाई केस स्टडीज के ऊपर और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम इस असेसमेंट को करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में तो सर्टनली फायदा होगा बच्चों का, जो इनसिक्योरिटीज हैं और जो कंफ्यूजन्स हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगे, मगर लॉन्ग टर्म में आई थिंक देश को ये पहली बार मौका मिलेगा, सीबीएसई की जो पहल है, शायद किसी भी बोर्ड की ये पहली पहल है कि उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो चीजें कही गई हैं उसके पास तक पहुंचने की हमारी ये पहली तैयारी है, और मुझे पक्का यकीन है कि इसमें जिस तरह की प्लानिंग ऑलरेडी अनाउंसमेंट डॉक्यूमेंट में जिस तरह की परेशानी प्लानिंग दिख रही है, जिसमें कि वो डॉक्यूमेंट कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, अगर वैसा हुआ तो हम वो करेंगे, तो ये क्लियरली बता रहा है कि ये सोचा समझा स्टेप है, और एज अ स्कूल प्रिंसिपल मैं इसे वेलकम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर स्कूल प्रिंसिपल्स हिंदुस्तान में और विदेश में जहाँ सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो इस पहल को वेलकम करेंगे। ठीक है डॉक्टर भारद्वाज, जो बात कही गई है उसमें जिक्र है कि सत्र जो 2021-22 है उसके लिए पाठ्यक्रम को एक तरह से युक्ति संगत तरीके से दो टर्म में आपने बांटा है, इसके लिए विषय के विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि ये चुनौती नई है और जो भी चीज़ें हैं वो जाहिर तौर पर इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि पढ़ाई पर असर ना हो, बच्चे का जो भविष्य है वो आगे जो है उसे देखते हुए सब चीज़ें की गई हैं, किस तरह का मंथन किया गया है, कैसे राय शुमारी रही है इसके पीछे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
जी बिल्कुल प्रीति जी, देखिए जब हमारे सामने कोरोना महामारी का आगमन हुआ तो हमारे सामने कहीं भी कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं था। तो सारे लोग, चाहे वो हम हो चाहे स्कूल के पदाधिकारी हो, प्रिंसिपल्स हो, सब लोगों ने एक टीम की तरीके से काम किया, जिसके मन में अगर कहीं कोई विशेष बात, कोई विचार आया, कोई सजेशन आया, उन लोगों ने हमारे साथ शेयर किया और हम सारे लोगों ने मिलकर इस चीज पर मंथन किया। मंथन करने के बाद हमारा गत वर्ष भी ये प्रयास था कि हम अपने स्कीम बना लें और ऐसा करें कि कोई परेशानी हमको 2021 की परीक्षा के बाद ना हो, यदि हम लोग जो है परीक्षाओं का आयोजन नहीं करा पाते हैं। लेकिन पिछले वर्ष क्योंकि स्थितियां इतनी खराब होती चली, लेट होती चली गई, तब तक स्कूल का सेशन लगभग बहुत आगे बढ़ चुका था, तो इसलिए हमने ये काम पिछले वर्ष से करना शुरू किया कि इसलिए कि इस वर्ष जरूर हम इस पॉलिसी को निकाल दें, जिससे कि जो परेशानी वाला दौर है रिजल्ट बनाने के लिए, बच्चों के असेसमेंट के लिए, वो ना हो। जिन लोगों ने ये स्कीम बनाई और ये प्लान किया, मैं ये जरूर देने का प्रयास किया कि जो स्टेटमेंट हो वो रिलायबल हो, वो करेक्ट हो, वो फेयर हो, जस्टिफाइड हो। ऐसा ना हो कि बच्चा कुछ नहीं जानता और हम उसको बहुत अच्छे नंबर दे दें, बच्चा बहुत कुछ जानता हम उसको खराब नंबर दे दें। तो हमने यहाँ पर ये सारी चीजें जो है एनालाइज की, डाटा के अनुरूप एनालाइज की, हमने डिस्कशन किए और डिस्कशन करने के बाद हमने कहा कि ठीक है, हम दो पार्ट में बांटते हैं तो सिलेबस को। जो सिलेबस हमने दो पार्ट में बांटने की बात की है और युक्ति संगत बात की है, वो ये कि अमूमन हमारा जब युक्ति संगत बनाने की बात सिलेबस को है, तो वो ये है कि सेकेंड फर्स्ट सम में जो चीज खत्म हो जाती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि उसका कोई पार्ट आगे आए और फिर परेशानी बच्चों को होती रहे। तो बिल्कुल जो भी हम सम में करें वो फर्स्ट सम के बाद समाप्त हो जाए, सेकेंड टर्म में जो हमारा शुरू हो वो नया शुरू हो। तो इससे बच्चों के ऊपर जो सिलेबस का थोड़ा सा लोड था वो इस समय पर कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले समय में जो परेशानी भरा हमारा रहा है, हमारे स्कूल्स ने और अध्यापकों ने जितनी मेहनत की है वो मेहनत अटूट है, वो मेहनत बहुत ज्यादा है। इन लोगों ने 15-15, 16-16 घंटे बैठकर काम किए, इन्होंने बच्चों की एक को देखा, अगर कोई बच्चा भी था उसको अलग से क्लासेस ली। यहाँ ये भी कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि बच्चों की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से कहीं जो मदद हमको मिलनी चाहिए थी वो मदद थोड़ी सी कुछ रही। अगर बच्चों का सीरियसनेस बढ़ जाती तो हम लोग जो टीचर्स ने अपनी मेहनत की है वो जो गैप था हमारा लर्निंग का वो और अच्छे तरीके से पूरा हो सकता था। तो मेरा मानना ये कि अब इतने विचार विमर्श के बाद जब हमने ये पॉलिसी बनाई है, तो इस पॉलिसी में हम स्कूल्स की हैंड होल्डिंग करने के साथ साथ, टीचर्स की हैंड होल्डिंग करने के साथ साथ, ये प्रयास करेंगे कि जो CBSE का मेन वर्क है असेसमेंट का, जो इसके लिए कि वो वर्ल्ड अक्रॉस जाना जाता है, वो सही रूप से हो। और विशेष बात यह है कि जो काम हम देश में करते हैं लगभग सभी बोर्ड उसका पालन करते हैं, उसको उसके अनुयायी बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको कहीं दूसरे बोर्ड को भी मदद करने की आवश्यकता हो या रास्ता दिखाने की आवश्यकता हो या हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता हो, तो सारे देश के वो बच्चे जो स्कूली शिक्षा में हैं, वही नहीं केवल जो CBSE से अपलेटेड, बल्कि बाकी के लिए भी हम एक सहयोग का हाथ आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल। और अरुणाप सिंह, अगर देखें तो जो नई स्कीम आ रही है, अब हम देख रहे हैं कि उसमें जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी भी एक काफ़ी बड़ी भूमिका है। स्कूलों को सभी छात्रों की प्रोफाइल तैयार करनी होगी, जिसमें इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन का जो भी है वो डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराना पड़ेगा और ये पोर्टल पर भी आएगा बाद में। मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अब तक बोर्ड के एग्जाम्स में इंटरनल असेसमेंट्स की उतनी बड़ी भूमिका नहीं होती थी जितनी अब हो रही है, इसे लेकर क्या जो चीज़ें हैं वो उतनी स्मूद हैं या किस तरह की तैयारी है जो करनी होगी अब? मुझे ऐसा लगता है कि इससे बच्चों का फायदा होगा। इससे बच्चों का फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि सिर्फ लास्ट का वो एग्जाम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्लासरूम्स में अटेंडेंसेस बढ़ेंगी और बच्चों की सीरियसनेस भी बढ़ेगी। एक और चीज मैं मेंटेन करता हूँ कि अगर तो हमें पढ़ाई चेंज करनी है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो तब तक नहीं चेंज होती जब तक कि हम उसका असेसमेंट नहीं चेंज कर दें। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर
सवाल ये पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भारत को आजादी कब मिली, तो 1947 उसका जवाब है, ऐसे तो मैं रट लूंगा। मगर अगर एग्जाम में ये पूछा जाने लगे कि आजादी के सही मायने क्या है, तो वो तो सिर्फ तब होगा जब उस क्लास में डिस्कशन हो रहा है। तो जिस इस तरह के इंटरनल असेसमेंट्स होने लगेंगे और टीचर्स के पास में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों के साथ में डीपर काम कर पाएंगे। तो ये 100% एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और अगेन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये बात कहती है, इनफैक्ट वो डॉक्यूमेंट तो ये भी कह रहा है कि पेरेंट्स का भी उसमें रोल होना चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में क्या कह रहे हैं, बच्चा अपने आप खुद अपने बच्चे अपने बारे में क्या कह रहा है। तो दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। तो कई बार जो परेशानी है वो अपने साथ में नए दरवाजे खोलती है, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है हमारे देश के साथ में ये हो रहा है कि वो जो परेशानी हमने झेली है उसकी वजह से जो नए रास्ते खुल रहे हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इस स्पेसिफिकली इस साल के लिए सईम भारद्वाज जी की टीम ने बहुत ही मेहनत करके ये 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम बनाया है, ये सक्सेसफुल हो और इस प्रोग्राम को हम फॉरवर्ड कर पाए और आने वाले सालों में भी ये एग्जाम 2 सेमेस्टर में ही हो, इससे देश के सभी बच्चों का फायदा होगा। यानी आप ये कह रहे हैं अनुराग कि जो चुनौती है कहीं ना कहीं उसने एक अवसर भी दिया है, ये ट्रांजिशन का एक तरह से पीरियड आप मान रहे हैं? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो हम सीख लेंगे, करंटली तो ये हमारी मजबूरी भी कह सकते हैं कि ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है, मगर इसमें जो उम्मीद की किरण है ये वो उम्मीद की किरण है जो जिसे हम पिछले 10 साल से डिस्कस कर रहे हैं कि उस 3 घंटे में ही क्यों एग्जाम में मेरे जिंदगी का सिलेक्शन हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी दिन अगर मुझे 102 बुखार था और मैं क्रोसिन देकर एग्जाम दे रहा था तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि मुझे गणित नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। तो ये बात तो हम क्लासरूम में और प्रिंसिपल्स के साथ में और पेरेंट्स के साथ में हमेशा करते थे, मगर और कोई तरीका नहीं था। ये एक नया तरीका सामने आया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सक्सेसफुल साबित होगा और इस तरीके की वजह से और भी बोर्ड्स इसको यूज करेंगे। ठीक है, और डॉक्टर भारद्वाज, क्योंकि जैसा हम जान रहे हैं कि ये एक नया तरीका है, जैसा अभी अरुणाब जी भी कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, किस तरह से जो मार्क्स हैं उसका उचित निर्धारण हो, साथ ही जो आपकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं मॉडरेशन नीति के अनुसार इंटरनल असेसमेंट हो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के काम होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय हो और वैध हो, तमाम कोशिशें जारी रहेंगी, तो किस तरह की मदद CBSE की तरफ से स्कूलों को दी जाएगी, तैयारी पूरी किस तरह से होगी? प्रीति जी, मैं इस बात को बताते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अभी तक जो इंटरनल एग्जामिनेशन या इंटरनल असेसमेंट हमारा होता था, प्रैक्टिकल्स होते थे, प्रोजेक्ट वर्क होते थे, ये इंटरनली होते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस देख मान जाते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे थर्ड बॉडी की तरीके से हम लोग भी बच्चों का असेसमेंट करते हैं और उसमें चोरी में हम उनको मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं तो हम अपने लोगों को भेजते हैं, वहां पर भी मार्क्स बच्चों को मिलते हैं। तो देखा यह जाता था कि अगर कहीं थ्योरी में बच्चे के 50% मार्क्स आ रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स से, तो उसके प्रैक्टिकल में 100% आ रहे हैं। तो मैं खुद भौतिक विज्ञान का, मेरा प्रैक्टिकल पर बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कमांड प्रैक्टिकल्स के ऊपर किया है, तो उतना अच्छा होना तो ठीक है कि सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोनों असेसमेंट को जब हम करें तो कोई कोरिलेशन उनके बीच में जरूर होना चाहिए। तो ये मान लिया गया कि भाई प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बच्चे अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हैं, यहाँ प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में आने हैं और फिर उनका असेसमेंट हो रहा है, तो इन सब चीजों को दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये प्रयास रहा कि जो भी हम निर्धारित करें, जो पॉलिसी बनाए, वो साल की शुरुआत से शुरू हो, बच्चे का असेसमेंट लगातार होता रहे, वो एकदम जाकर जो प्रेशर आता वो प्रेशर ना आए, और इस स्थिति में अगर हमारे सामने कोई एमरजेंसी होती है तब भी हम बच्चे का असेसमेंट कर सकें। उसके लिए हमने एक नीति बनाई और अपने ये प्रयास किए कि जितने भी स्कूल्स हैं हम ट्रेनिंग कराकर इन चीज़ों के नए नए मॉड्यूल बनाकर उन चीज़ों के लिए इन चीज़ों से संबंधित गाइडलाइंस बनाकर इंस्ट्रक्शन बनाकर हम अपने सारे स्कूल्स को देंगे। हमारा जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो कई लाख टीचर्स की ट्रेनिंग हर साल करता है, क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है तो ये नंबर और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, नए नए मॉड्यूल्स ट्रेनिंग आ रहे हैं, और ये ट्रेनिंग से ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जिससे कि सब लोग अपने आप इन मॉड्यूल अटेंड करें, प्रिंसिपल्स भी इनको देखें
आपस में भी चर्चा करें, एक दूसरे को समझाने का प्रयास भी करें, तो वो शुरुआत में ही सब लोगों से आशा ये की जाएगी कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाते हैं, उसको आगे भी वो शेयर करते रहें, अपने स्कूल्स में बच्चों को भी शेयर करते रहें, जिससे कि जो 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 कोरिलेशन नहीं बनता था थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के मार्क के बीच, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के बीच में, वो बनना शुरू हो। तो इसमें हमारे एकेडमिक डिपार्टमेंट जो है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स बनाना, डिजाइन बनाना, दूसरी बातों के जो इंस्ट्रक्शन है वो बनाना, जो प्रैक्टिकल हमारे पोर्टफोलियोज हैं उनके बारे में सारे इंस्ट्रक्शन बनाना, गाइडलाइंस टीचर्स के लिए बनाएगा, और जो हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो पूरा कंट्री भर में ट्रेनिंग का एक सिलसिला शुरू होगा, जिसको मैं कहूंगा जलजले के रूप में होगा, एक बड़े मतलब बहुत ही रिपल फैक्टर उसमें काम करेगा, सबको ट्रेन जल्दी से करने के लिए, जिससे इस नीति का सही रूप से जो है लागू किया जा सके। ठीक है अरुणाव सिंह, जैसे अभी डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि ट्रेनिंग पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, और हम जानते हैं क्योंकि चीज़ें अब नए तरह से सामने आ रही हैं, तो टीचर्स की ट्रेनिंग, स्कूल में अच्छी ट्रेनिंग हो, उस पर तो ध्यान देना ही होगा, बच्चों के अंदर भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे ये भी देखना होगा। अभी तक हम देखें तो ऑनलाइन पढ़ाई चल ही रही है लगातार, जब से कोविड की चुनौती है, क्या आपको लग रहा है कि बच्चे इन चीज़ों के अनुरूप अब ढल पा रहे हैं, खासकर क्योंकि ट्वेल्थ के बाद हम जानते हैं आगे कॉलेज एडमिशन की बात हो या इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, या फिर कई लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्या किसी तरह का कंफ्यूजन है अभी, या चीजें बच्चों को भी समझ में आ रही हैं? दीदी, हमेशा से ही बच्चे टेक्नोलॉजी में अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से आगे रहे हैं। मगर अगर कोई ये कहे कि भारत के सभी बच्चों के पास में इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो ये तो गलत होगा। तो शहर के बच्चे या वो बच्चे जहां पर कि उन्हें मोबाइल फोन अवेलेबल था या इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था, वो तो मैं कहूंगा कि हाँ वो तैयार हैं, मगर पूरा भारत देश तैयार है ऐसा नहीं है। तो हमें इन बच्चों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम एज अ कंट्री उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर कि हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई भी करा दें और एग्जाम भी ले लें। तो ये समझ अगर हम सब पॉलिसी मेकर भी इस बात की समझ रखें और स्कूल प्रिंसिपल्स भी इस बात की समझ रखें, तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक तो क्लास में जो टीचर अवेलेबल हैं वो ही सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हैं। अगर तो किताब खुद ही पढ़ा देती तो फिर तो सब कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोग्राम से ही पढ़ते ना। तो इसलिए टीचर के ऊपर जो एम्पावरमेंट पर जो काम हो रहा है और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर जो काम हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी कई सालों से करने में लगी हुई है, और इवन स्टेट बोर्ड्स भी, मेरी एक यूपी बोर्ड के एक प्राइमरी टीचर से बात हो रही थी, वो मुझे बता रही थी कि मेरी 13 ट्रेनिंग्स ऑनलाइन इस साल में हुई हैं। तो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स भी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चाहे ऑनलाइन मीडियम से या ऑफलाइन मीडियम से हम टीचर्स की बेटर ट्रेनिंग कर पाएं। अगर टीचर्स नया सीखना बंद कर देंगे तो हम नया सिखा भी नहीं पाएंगे। तो पूरे देश को ये समझना होगा कि टीचर ट्रेनिंग इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़ी है। बिल्कुल, जो चैलेंज, बहुत बड़े चैलेंज की बात करी है डॉक्टर भारद्वाज अरुणाव सिंह ने अभी, जो ग्रामीण इलाके हैं या जिन छात्रों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, इस तरह के तमाम चैलेंजेस हैं जो अभी आपको देखने हैं, तो इस दिशा में कैसे काम हो रहा है? देखिए, सीबीएसई एक कड़ी के रूप में काम करता है, और हम लोगों के एक हब्स ऑफ स्कूल्स हैं जो कि सारे कुछ आस पास के स्कूल मिलकर एक साथ मिलते हैं। इसके अलावा हमारा सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एक हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें कि पास के स्कूल सारे मिलते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो ये दोनों लोग इस तरीके के हैं, हमारे अनुभव हैं और जो ये स्कीम्स हैं हम के, वो हमको सहयोग करेंगे। इसके अलावा हर सिटी में हम लोगों का एक प्रिंसिपल जो है वो सिटी कोऑर्डिनेटर की तरीके से काम करता है। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर वो शहर ऐसा है जहां पर कि नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो पहला तो हमारा होगा कि जितनी ट्रेनिंग हम अपने लोगों को ऑनलाइन दे सकते हैं वो ऑनलाइन, उसके बाद वो स्थान जहां पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, हब्स ऑफ स्कूल, सहोदय कॉम्प्लेक्स, और अपने सिटी कोऑर्डिनेटर की मदद से उन लोगों के लिए फेस टू फेस ट्रेनिंग्स का, या जो हमने रिकॉर्डिंग की है अपने प्रोग्राम्स की, उसको उनको बैठाकर लाइव उनको दिखा दिया जाए, उनकी स्कूल में बैठकर दिखा दिया जाए। ये सारे प्रयास जो हैं हमारे समक्ष हैं, और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि बहुत जल्दी के समय में, मतलब पहली परीक्षा हमारी टर्म 1 की आयोजित हो,
उससे भी बहुत पहले हम अपने सारे टीचर्स को जिस जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम से लड़ने के लिए, इस सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको सीरियली उस तरीके से ट्रेनिंग का आयोजन जो है उनके लिए कर दिया जाए। तो मेरा मानना यह है कि बहुत तेजी से हम लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं कि ट्रेनिंग भी हमारी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। और अगर कोई स्कूल ऐसा है जहां पर ये सुविधाएं नहीं है, जबकि मेरा मानना यह है कि जहां तक कनेक्टिविटी की बात है वो लगभग सब जगह उपलब्ध है आज की तारीख में, क्योंकि हम इन लोगों से मार्क्स अपलोड कराते हैं। लेकिन जैसा अर्णव जी ने कहा, वो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते, या उनके पास वो गैजेट्स उपलब्ध नहीं है जिसमें ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सके या परीक्षाओं का आयोजन हो सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फेज भी ट्रेनिंग उनके लिए कराकर उनको आगामी असेसमेंट के लिए बिल्कुल तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ समय ही पूरा हो गया है। डॉक्टर संयम भारद्वाज आपका, अरुणाभ सिंह आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कोरोना महामारी ने सीबीएसई ने परीक्षाओं को सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा है और बोर्ड द्वारा ये जो स्कीम है, ये योजना है, वो कोविड महामारी की वजह से लाई गई है, जिसके कारण पिछले साल हमने देखा कि कुछ विषयों की बोर्ड परीक्षा और इस साल संपूर्ण बोर्ड परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब शिक्षण सत्र के अंत में बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराने की संभावनाओं को बढ़ाने के लक्ष्य से ये नई स्कीम लेकर आए हैं। परीक्षाओं को एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करते हुए तमाम परीक्षा की जो रणनीति है, जो खाका है, वो तैयार किया गया है, जिससे कोविड की चुनौतियों के बीच पढ़ाई पर असर कम से कम हो। लेकिन इस बीच कई चुनौतियां भी हैं, जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी पढ़ाई बाधित ना हो, इस ओर जरूर ध्यान देना होगा। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।